155 देशों के जल से हुआ राम मंदिर का जलाभिषेक, बाबर की जन्मस्थली से लाया गया जल भी हुआ प्रयोग। अयोध्या में रविवार को दुनिया के 155 देशों की नदियों के लाए गए जल से रामलला के निर्माणाधीन भवन का जलाभिषेक किया गया। कार्यक्रम में 40 से अधिक देशों के प्रवासी भारतीयों ने हिस्सा लिया। दिल्ली स्टडी ग्रुप अध्यक्ष व पूर्व विधायक डॉक्टर विजय जौली के नेतृत्व में दुनिया के 7 महाद्वीपों के 155 देशों के पवित्र जल से आज राम मंदिर जलाभिषेक कार्यक्रम अयोध्या जी में संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में 40 से अधिक देशों के प्रवासी भारतीयों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। जय श्री राम के नारों के बीच अनेक देशों के राजदूत और राजनयिक भी इस भव्य कार्यक्रम में उपस्थित रहे। फिजी, मंगोलिया, डेनमार्क, भूटान, रोमानिया, हेती, ग्रीस, कोमोरोस, कबेवर्डे, मोंटीनिग्रो, टोवालू, अल्बानिया और तिब्बत आदि देशों के राजनयिकों ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के इस ऐतिहासिक जलाभिषेक कार्यक्रम में भाग लिया। भूटान, सूरीनाम, फिजी, श्रीलंका व कंबोडिया के वर्तमान राष्ट्राध्यक्षों ने इस अवसर पर अपने शुभकामना संदेश डॉक्टर जौली को भेजे। इस अवसर पर अपने स्वागतीय भाषण में डॉक्टर विजय जौली ने बताया कि बाबर की जन्मस्थली के देश उज्बेकिस्तान के शहर से अंदीजान की प्रसिद्ध कशक दरिया नदी का पवित्र जल भी अयोध्या राम मंदिर जलाभिषेक के लिए विशेष रूप से भारत पहुंचा है। इसके साथ ही रूस व यूक्रेन के युद्धग्रस्त देशों के जल के साथ साथ चीन व पाकिस्तान का जल भी अयोध्या राम मंदिर जलाभिषेक हेतु भारत पहुंचा। डॉक्टर जौली ने कहा कि प्रभु श्री राम में न केवल भारत अपितु विश्व भर के लोगों की आस्था व विश्वास है। इस वैश्विक जल को एकत्रित करने में 2.5 साल लगे तथा इसने न केवल हिंदुओं को अपितु मुसलमानों, ईसाइयों, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी व विश्व के 7 महाद्वीपों के लोगों ने इस महाअभियान में सहयोग दिया। डॉक्टर जौली ने इसे ऐतिहासिक व अविस्मरणीय पल बताया। इस अवसर पर अपने स्वागतीय भाषण में डॉक्टर विजय जौली ने बताया कि बाबर की जन्मस्थली के देश उज्बेकिस्तान के शहर अंदीजान की प्रसिद्ध कशक दरिया नदी का पवित्र जल भी अयोध्या राम मंदिर जलाभिषेक के लिए विशेष रूप से भारत पहुंचा है। इसके साथ ही रूस व यूक्रेन के युद्धग्रस्त देशों के जल के साथ साथ चीन व पाकिस्तान का जल भी अयोध्या राम मंदिर जलाभिषेक हेतु भारत पहुंचा। डॉक्टर जौली ने कहा कि प्रभु श्री राम में न केवल भारत अपितु विश्व भर के लोगों की अध्यक्षता व विश्वास है। इस वैश्विक जल को एकत्रित करने में 2.5 साल लगे तथा इससे न केवल हिंदुओं अपितु मुसलमानों के 7 महाद्वीपों के लोगों ने इस महाअभियान में सहयोग दिया। डॉक्टर जौली ने इसे ऐतिहासिक व अविस्मरणीय पल बताया।